हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेक्स्टर कम। आज हम लोग बात करेंगे सॉलिड स्टेट के रिवीजन की। हम लोग अभी तक लिक्विड सॉल्यूशन, स्टेट्स ऑफ मैटर, मोल कॉन्सेप्ट, रेडॉक्स रिएक्शंस, थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोकेमिस्ट्री, इनका रिवीजन कर चुके हैं। आने वाले चैप्टर्स में अब जो है वो सॉलिड स्टेट है, और इसके बाद हम लोग करेंगे केमिकल आयनिक इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम में सॉरी हम लोग कर चुके हैं, आयनिक इक्विलिब्रियम करेंगे और करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, PYQs भी लगातार आ ही रहे हैं यार, टाइम लगता है ना ये थोड़ा सा वीडियो रिकॉर्ड करने में, तो उसी चक्कर में थोड़ा सा डिले हो रहा है। थोड़ा सा कोप अप करो, PYQs भी आ ही रहे हैं। ठीक है, लगातार आएंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, चलो भाई शुरू करते हैं हम लोग रिकॉर्डिंग को। रिकॉर्डिंग को क्या मतलब, चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं, शुरू करते हैं बात। तो सॉलिड स्टेट में बेसिकली हम लोग सॉलिड स्टेट मटेरियल्स की बात करेंगे। सॉलिड स्टेट मटेरियल्स को अगर हम क्लासिफाई करें तो हम दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड कौन से होते हैं, जिनका इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल जो होता है वो वेल डिफाइंड होता है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर्स होते हैं। लॉन्ग रेंज ऑर्डर्स का मतलब होता है कि ए बी ए बी ए बी टाइप के बहुत दूर तक सेम ही दिखाई देगा। ठीक है, इन्हें हम कहते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर्स। ठीक, और क्रिस्टलाइन जो अमॉर्फस सॉलिड होते हैं उनमें शॉर्ट रेंज ऑर्डर्स होते हैं, यानी कि ए बी ए बी जो बहुत देर तक नहीं चलेगा। जैसे यहाँ चला ए बी ए बी ए बी चला, फिर यहाँ पे बी ए बी ए बी ए चला, फिर ए रिपीट हो गया। देखो यहाँ पे बी बी रिपीट हो गया, हो गया तो रिपीटेशन हो रहा है, तो यानी कि ऑर्डर नहीं है। जबकि यहाँ पे देखोगे तो ए बी ए बी ए बी थ्रू आउट चल रहा है, बी ए चल रहा है, ए बी चल रहा है, ये हमेशा सेम है, तो लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है। क्रिस्टलाइन सब्सटेंस का शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब कितने लोगों को पता है, अगर सुन रहे हो तो कमेंट करके बता सकते हो कि शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है। तो मैं मान लेता हूँ तुमने अभी तक कमेंट किया होगा वीडियो को रोक के, तो मैं बताता हूँ। शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है कि जब अगर हम मान लेते हैं किसी क्रिस्टलाइन सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो वो 99.9 पे भी वो मेल्ट नहीं होगा, सॉफ्ट नहीं होगा, वो सीधे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाके क्या होगा, तुरंत मेल्ट हो जाएगा बिल्कुल। जबकि जो एमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, जैसे वैक्स ले लो, वैक्स को जब हीट करना तो मेल्ट होने से पहले सॉफ्ट हो जाता है ना, जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड सॉफ्ट नहीं होते, सीधे मेल्ट होते हैं। ठीक, और इसीलिए उनकी करेक्टरिस्टिक हीट ऑफ फ्यूज़न होती है और इनकी नहीं होती है। जब क्योंकि लॉन्ग रेंज ऑर्डर्स हैं इसलिए उनके जो कट्स हैं वो भी कैसे हैं, रेगुलर हैं। जब उन्हें शार्प एज नाइफ से काटेंगे तो क्या होंगे, उनके कट्स रेगुलर होंगे, तो इन्हें हम ट्रू सॉलिड्स भी कहते हैं। और ये एमॉर्फस सॉलिड्स ऐसा नहीं देते, तो इन्हें हम कहते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड्स या सूडो सॉलिड्स। ठीक, तो इनमें एक प्रॉपर्टी होती है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में कि ये कैसे होते हैं, इनमें एक प्रॉपर्टी होती है कि ये कैसे होते हैं, ये एक प्रॉपर्टी पजेस करते हैं जिसे हम कहते हैं एनआइसोट्रॉपी। आइसो मतलब होता है सेम, तो ट्रॉपी मतलब रीजन, तो एनआइसोट्रॉपी मतलब कि जो सेम ना रहे थ्रू आउट द रीजन, तो उसे हम कहते हैं एनआइसोट्रॉपी। और जो एमॉर्फस सॉलिड होते हैं वो हमारे आइसोट्रॉपिक होते हैं। तो एनआइसोट्रॉपी कैसे देखना है कि अगर हम क्या करें कि किसी डायरेक्शन में हम लाइट की स्पीड नापने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो यहाँ से हम चले तो इधर साइड सारे बी आ गए, इधर साइड सारे ए आ गए, है ना, और इधर से ए बी आए, तो इनके अलग अलग इन्वायरमेंट की वजह से लाइट की स्पीड अलग अलग आएगी इस केस में। ठीक, अब अगर हम आइसोट्रॉपिक क्रिस्टल्स की बात करें, तो क्योंकि उनमें कोई सिमेट्रिक नहीं अरेंजमेंट नहीं है, तो उनमें क्या होगा, कोई भी सिस्टमेटिक अरेंजमेंट नहीं आएगा, तो लाइट भी कोई प्रॉपर्टी भी डायरेक्शन के हिसाब से चेंज नहीं होगी। तो जब प्रॉपर्टी डायरेक्शन के हिसाब से चेंज होती है तो हम उसे कहते हैं आइसोट्रॉपिक, और जब डायरेक्शन के हिसाब से चेंज नहीं होती तो उसे कहते हैं, जब डायरेक्शन के हिसाब से चेंज होती है तो उसे कहते हैं एनआइसोट्रॉपिक, और डायरेक्शन के हिसाब से चेंज नहीं होती है तो उसे हम कहते हैं आइसोट्रॉपिक। ठीक, तो एनआइसोट्रॉपिक कौन से हैं, द प्रॉपर्टीज विच चेंज विद चेंज इन डायरेक्शन एंड द प्रॉपर्टीज रिमेन सेम इन रिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन आर कॉल्ड आइसोट्रॉपिक। तीसरी बात, जो खास बात, एक और बढ़िया बात होती है कि इंटरफेशियल एंगल, जो क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस होते हैं उनमें इंटरफेशियल एंगल हमेशा फिक्स रहता है। जैसे तुम अगर कोई क्यूब ले लो, कोई भी क्यूबिकल सिस्टम होगा या क्यूबॉइड होगा, उनके इंटरफेसेस यानी उनके बीच के फेस का एंगल कितना होगा, फेस का एंगल होगा उसका 90 डिग्री, और किसी भी हेक्सागन का एंगल हमेशा 120 डिग्री होगा इरिस्पेक्टिव ऑफ द शेप एंड साइज। ठीक, अब क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स करें तो क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन, यहाँ तो बहुत थ्योरी वाला पार्ट है, ये तो फटाफट कर लेते हैं, फिर आगे जहाँ पे समझने वाला होगा वहाँ पे रुक के आराम से करेंगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करें तो हम पहले बात करेंगे मॉलिकुलर सॉलिड्स। मॉलिकुलर सॉलिड्स कौन से होते हैं, नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड्स, दे कंप्राइज ऑफ आइदर
एटम्स लाइक हीलियम, नियॉन, आर्गन एंड मॉलिक्यूल्स फॉर्म बाय नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड लाइक हाइड्रोजन, आयोडीन, Cl2. इन दिस सॉलिड्स द एटम्स और द मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक डिप्रेशन फोर्सेस, डिस्पर्जन फोर्सेस और लंदन फोर्सेस, क्योंकि उनमें कोई भी चार्ज नहीं डेवलप हो रहा है. दीज सॉलिड्स आर सॉफ्ट एंड नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स एंड यूजली लिक्विड्स और गैस एट रूम टेम्परेचर. बिल्कुल हाइड्रोजन हीलियम को क्या एक्सपेक्ट करते हो कि सॉलिड होंगे? बिल्कुल नहीं. या तो वो गैस होंगे, अगर हम बहुत ठंडा करने की कोशिश करें तो लिक्विड हो जाएंगे, जैसे CO2 हो सकती है ना आसानी से. CO2 नहीं लेंगे, सॉरी इसका एग्जाम्पल CO2 नहीं लेंगे, Cl2 ले सकते हैं. पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, मॉलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंस लाइक HCl, SO2 आर फॉर्म बाई पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स. दीज मॉलिक्यूल्स, द मॉलिक्यूल्स इन सच सॉलिड्स आर हेल्ड टुगेदर बाई रिलेटिवली स्ट्रॉगर डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शंस. दे आर सॉफ्ट नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एट रूम टेम्परेचर, दे आर गैसेड और लिक्विड्स. ठीक, तो सॉलिड CO2 या सॉलिड SO2 ले लें तो ये क्या है, ये हमारे पोलर मॉलिकुलर सॉलिड्स हैं. ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड क्या है? मॉलिक्यूल्स ऑफ सच सॉलिड्स कंटेन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स बिटवीन एच एंड FNO. ठीक है, फॉन कह लो या FNO कह लो एटम्स, जैसे इसमें आइस, ये नॉन कंडक्टिंग होती है, जनरली वोलेटाइल लिक्विड है और सॉलिड है अंडर रूम टेम्परेचर. ठीक, थोड़ी यार तबीयत नहीं सही है, फिर भी कोर्स कर रहा हूँ. बहुत प्रेशर लगा इस कोर्स को मतलब फॉलो करने में, बहुत ज़्यादा काम था इसके लिए. ठीक, पूरी 2 साल की केमिस्ट्री लगभग पढ़ा दी, तुम एग्री करो या ना करो, पूरी 2 साल की केमिस्ट्री पढ़ा दी, वो भी डॉट अभी 36th डे चल रहा है. ठीक, तो आयंस आर कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स ऑफ द आयनिक सॉलिड्स एंड फॉर्म बाई 3D अरेंजमेंट ऑफ कैटायंस एंड बॉन्डेड बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज. जैसे ये क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, ब्रिटल होते हैं, हैविंग हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, हैविंग हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. हाई नहीं लिखा इसमें, चल इरेज करके लिख देता हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. इन मॉल्टन और फ्यूज स्टेट और डिजॉल्व स्टेट इन वाटर दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. जैसे NaCl ले लें, KCl ले लें, MgO ले लें, ZnSO लें या CaF2 ले लें. मेटेलिक सॉलिड्स कौन से? मेटेलिक सॉलिड्स होते हैं ऑर्डरली कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव आयन सराउंडेड बाई एंड हेल्ड टुगेदर बाई ए सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. फ्री इलेक्ट्रॉन्स हेल्ड करते हैं, जैसे हम आयरन की बात कर लें, कॉपर की बात कर लें, सिल्वर की बात कर लें, गोल्ड की बात कर लें. क्या है कि पॉजिटिव चार्ज हैं बहुत सारे और वो किससे रुके हुए हैं, आपस में बंधे हुए हैं, वो बंधे हुए हैं फ्री ऑफ मतलब क्या कहते हैं, फ्री सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन से बंधे हुए हैं और यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल है कंडक्टिविटी के लिए. कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड कंस्टिट्यूएंट ऑफ पार्टिकल्स आर एटम्स, दे आर कोवेलेंटली बॉन्डेड, दे आर हेल्ड, दे आर हार्ड इंसुलेटर्स एंड वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट. डायमंड, क्वार्ट्ज, ग्रेफाइट, जो ग्रेफाइट होता है सॉफ्ट होता है लेकिन कंडक्टर भी होता है. अब देखो, जो हमें सबसे ज़्यादा पढ़ना है अपने सिलेबस में वो क्यूब पढ़ना है. यहाँ से अब बात समझने की शुरू हुई है तो वी विल सी इट अस लिटिल बिट स्लो. लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, 1 घंटे के ऊपर ही निकलेगा तो मान के चलो, या कोशिश करेंगे उससे पहले वाइंड अप कर दें, लेकिन धीमे से पढ़ के समझते हुए चलेंगे टाइम कितना भी लगे, क्योंकि अगर सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन आया तो बनेगा ही बनेगा पेपर में, ना बनने का कोई सवाल नहीं उठता उसमें. तो अब भाई, अब हम लोग क्यूब को ध्यान से देखेंगे, क्योंकि क्यूबिकल सिस्टम और हेक्सागोनल सिस्टम दो ही हमारे सिलेबस में हैं. तो हम सबसे पहले क्यूब को देखते हैं, और क्यूब को देखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि अपने रूम को देखो ध्यान से. जहाँ पे भी तुम पेपर दे रहे होगे, रूम जरूर होगा, पेड़ के नीचे पेपर नहीं हो सकता है, CBT मोड है, तो ध्यान रखेंगे इस बात का कि रूम में होगा. तो रूम में जरा ध्यान से देखो तो कितने कॉर्नर्स हैं, 8 कॉर्नर्स हैं, गिन लो. राइट टॉप 1, राइट बॉटम 2, फ्रंट राइट टॉप, लेफ्ट टॉप, सामने 4 हैं या सामने पीछे हैं, ऐसे मैं कैसे गिनाऊँ. ठीक है, 2 ऊपर हैं, 2 नीचे, सामने और पीछे भी ऐसे ही, गिन लो एक बार गर्दन को, देख लो जरा अपने की कहाँ कहाँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे गिनने हैं. ठीक है, फेसेस कितने हैं? फेसेस 6 हैं, सामने दीवार, पीछे दीवार, लेफ्ट में दीवार, राइट में दीवार, और ऊपर पंखा चलता है और नीचे तुम बैठे हो, तो 6 फेसेस हैं. एजेस कितनी हैं? एजेस हैं 12. 12 एजेस कौन सी हैं भाई, देखना जरा ध्यान से, कि अगर सामने देखोगे तो एक स्क्वायर बनता हुआ दिख रहा, तो 4 एजेस ही हैं, 4 पीछे होंगी 8, फिर एक
राइट बॉटम में एक है जो कि 9, एक ऊपर 10, एक नीचे लेफ्ट में बॉटम में 11 और एक ऊपर 12, तो 12 एज होंगी। फेस डायगोनल कितनी होंगी? फेस डायगोनल क्या होगा कि सामने वाले फेस के राइट या लेफ्ट टॉप को राइट बॉटम में मिला दो तो एक फेस डायगोनल, ऐसे ऊपर से नीचे मिलाओगे तो एक फेस पे दो फेस डायगोनल होंगी, और टोटल फेस कितने हैं? 6। बॉट डायगोनल कितनी होंगी? बॉट डायगोनल का मतलब है कि राइट टॉप वाले को बॉटम लेफ्ट वाले से बैक वाले पे मिलाना है, यानी इधर से इधर ऐसे मिलाना है, ठीक, इधर से इधर मिलाना है। तो ऐसी बॉट डायगोनल कितनी होंगी? 4 होंगी, ठीक। बॉट डायगोनल कितनी होंगी? 4 होंगी, ठीक है। तो ये 8 कॉर्नर मैंने दिखाया तुम्हें कि 1, 2, 3, 4, 3, 5, 6, 7, 8। जो ये पीछे वाला 1, 2, 3, 4 वाला फेस है, ये तुम्हारे आंखों के सामने वाला फेस है, ठीक है। ध्यान से देखना मेरी बात, ध्यान सुनोगे तभी बात समझ में आएगी। जो 1, 2, 3, 4 वाला है वो तुम्हारी आंखों के सामने वाला फेस है, जिस दीवार को तुम फेस करके बैठे हो, और जो 5, 6, 7, 8 है वो पीछे वाला है, जिसकी तरफ तुम्हारी पीठ है या तुम बैक के पीछे, ठीक है। अगर हम इसकी एज लेंथ ए ले लें तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? ए क्यूब। फेस डायगोनल की लेंथ कैसे निकालेंगे? फेस डायगोनल की लेंथ ए रूट टू हो जाएगी। ये रेंज तुम्हें याद रखनी चाहिए, निकालनी आनी चाहिए, सब तरह से पाइथागोरस लगा ला के निकाल लेंगे। बॉडी डायगोनल की लेंथ कितनी होगी? रूट थ्री होगी। नंबर ऑफ फेस सेंटर कितने थे? 6। बॉडी सेंटर होगा 1। बॉडी सेंटर कौन सा होगा? जहाँ पे सारी बॉडी डायगोनल आपस में दूसरे को कट कर रही होंगी उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम बॉडी डायगोनल कहेंगे, ठीक। अब डिस्टेंस बिटवीन टू अपोजिट फेसेस क्या होगा? भाई अपोजिट फेस है तो उनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? ये सामने वाला फेस और ये पीछे वाला फेस, ऐसे देखो तो कितनी होंगी? ए होगी डिस्टेंस। दो एडजेसेंट फेस सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? दो एडजेसेंट फेस सेंटर्स के बीच की दूरी ए बाई रूट होगी। ये डिस्टेंस कितने लोगों को याद थी? पहले से बताना कि सर एकदम, ये तो टिप्स पे थी, टिप्स पे सवाल क्योंकि इन्हीं से आएगा, ठीक है। तो ये ए बाई रूट टू होगी। कॉर्नर के बीच की डिस्टेंस ए होगी। कॉर्नर से फेस सेंटर के बीच की दूरी ए बाई रूट टू होगी, और बॉडी सेंटर से कॉर्नर के बीच की दूरी रूट थ्री ए बाई टू होगी। एस सेंटर्स के बीच की दूरी कॉर्नर से एस सेंटर ए बाई रूट ए बाई टू पे, और एस से फेस सेंटर बॉडी सेंटर जो होगा, एस सेंटर से जो बॉडी सेंटर होगा वो ए बाई रूट टू पे होगा। अब लेटस और यूनिट सेल क्या होता है बताओ? भाई लेटस और यूनिट सेल क्या होता है? स्पेस लेटिस 3D इनफाइनाइट एरे ऑफ पॉजिटिव ऑफ पॉइंट्स ऑफ विच इज सराउंडेड इन एन आइडेंटिकल वे बाई इट्स नेबर्स विच डिफाइंस द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल। यूनिट सेल क्या है? यूनिट सेल इज एन इमेजिनरी और रियल यूनिट बाई विच अ लेटिस कैन बी फॉर्म ओनली बाई ट्रांसलेशन मोशन। रोटेशन इज नॉट अलाउड। ये बात ध्यान रखना बहुत जरूरी बात है कि रोटेशन अलाउड नहीं होता है इसमें यूनिट सेल में, ठीक है। तो अगर हम सेलेक्ट करें तो हम क्या कहेंगे कि यूनिट सेल पे अगर हम इसके लेटेस्ट पॉइंट बना दें, जो दिख नहीं रहे यहाँ पर, तो मैं यूनिट सेल की खास बात क्या होती है कि ये लेटेस्ट पॉइंट पे ही ख़त्म होना चाहिए और लेटेस्ट पॉइंट पे ही शुरू होना चाहिए। ऐसे हम कोई बीच में यूनिट सेल नहीं बना सकते, दिस इज़ नॉट ए यूनिट सेल। या यूनिट सेल हम ट्राइंगल या नहीं ले सकते, क्योंकि अगर हम ट्राइंगल यूनिट सेल लेंगे तो हमें बीच में खाली जगह छूट जाएगी। जैसे अगर हम देखें ध्यान से, मान लो तुमने ऐसा ट्राइंगल ले लिया, तो इसके ऊपर तुम ऐसा ट्राइंगल रखोगे तो ये वाली जगह क्या हो जाएगी? खाली। तो तुम कहोगे सर ऐसे पलट के रखते हैं ट्राइंगल इसमें ऐसा करके, ये अलाउड नहीं है, रोटेशन इज नॉट अलाउड। रोटेशन इज नॉट अलाउड, ठीक। ब्रेविस ने क्या बताया? ब्रेविस ने 1848 में बताया कि ज्योमेट्रिकल कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स जो 3D में अरेंज करे जा सकते हैं उनके केवल 14 वेज हैं, उनके कितने केवल 14 ही वेज हैं, उन्हें हम कहते हैं ब्रेविस लैटिस। तो उसने क्या किया, एक्स वाई जी एक्सिस मानी और अल्फा बीटा गामा को डिफाइन करके ए बी सी डायमेंशन ले ली सारी, 3 थीटा ले ली और 3 लेंथ ले ली, ए बी सी लेंथ ले ली और अल्फा बीटा गामा हमने क्या ले लिया, एंगल इंक्लिनेशन ले लिया। तो इनके बेसिस पे 7 क्रिस्टल सिस्टम बने और टोटल 14 ब्रेविस लैटिस बने। ये 7 क्रिस्टल सिस्टम तुम्हें याद होने चाहिए, क्यूबिक में ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी, अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 90 डिग्री है। टेट्रागोनल में ए बी बराबर है, सी के बराबर नहीं लेकिन सबके एंगल कितने हैं, 90 डिग्री। ऑर्थोरॉम्बिक में ए बी सी तीनों बराबर नहीं है लेकिन एंगल सबके 90 डिग्री हैं। हेक्सागोनल में ए और बी बराबर है, सी बराबर नहीं है लेकिन अल्फा बीटा कितना 90 और गामा है 120। रोम्बोहेड्रल में ए बी सी तीनों बराबर हैं, अल्फा और गामा 90 डिग्री हैं, बीटा 90 डिग्री नहीं है। मोनोक्लिनिक में
एबीसी तीनों बराबर नहीं है, अल्फा बीटा अल्फा गामा 90 डिग्री और बीटा 90 डिग्री नहीं है, और ट्राइक्लिनिक में एबीसी तीनों बराबर नहीं है, अल्फा बीटा गामा भी तीनों आपस में 90 डिग्री के बराबर नहीं है। तुम्हें कुछ याद रहे ना रहे, दो जरूर याद रहने चाहिए कि क्यूबिक कौन कौन सा, क्यूबिक जो मोस्ट सिमेट्रिकल और ट्राइक्लिनिक जो मोस्ट अनसिमेट्रिकल है। क्यूबिक में तीन सेल्स हैं, तीन लैटिस हैं, इसमें दो हैं टेट्राकोनल में, ऑर्थोरॉम्बिक में चार हैं, हेक्सागोनल में एक है, रोम्बोइडल में एक है, मोनोक्लिनिक में दो हैं और ट्राइक्लिनिक में एक है। इन सब का सम कर देते हैं तो 14 आ जाता है, तो हमें कहते हैं कि 14 क्रिस्टल सिस्टम्स हमारे पास हैं। हमें जो पढ़ने हैं वो हमारे पास हैं क्यूबिक क्रिस्टल्स। अब जरा ध्यान से सुनना मेरी बात, इमेजिनेशन की बात है, ठीक। क्यूब में तुम बैठे हो, ये बात ध्यान रखना, तुम क्यूब में बैठे हो, क्यूब में जिसमें तुम बैठे हो, आँख बंद कर लो, इमेजिन करो कि तुम्हारे लेफ्ट वाली वॉल के लेफ्ट में भी एक आइडेंटिकल कमरा है, जिस कमरे में तुम बैठे हो उसके लेफ्ट में भी एक कमरा है, ठीक है। तुम्हारे सामने वाली वॉल है उसके पीछे भी एक कमरा है, दो कमरे दिखने लगे, तीन दिखने लगे। तो हम अगर वैसे बना दें डायग्राम कि मान लेते हैं कि तुम यहाँ बैठे हो, तुम यहाँ पर बैठे हो, तुम्हारे लेफ्ट में एक कमरा है, ठीक, या आइडेंटिकल बनाना हो तो आइडेंटिकल भी बना सकते हैं, इसे कॉपी कर लें तो आई मिरर इमेज बना लेंगे। तो लेफ्ट में भी कमरा है तो मैं हटा देते हैं यहाँ से, तुम्हारे सामने वाली वॉल ये वाली वॉल है, इसके पीछे भी एक कमरा है, ठीक। तो लेफ्ट में कमरा दिख गया, सामने कमरा दिख गया, दिख रहा है भाई सबको, जितने लोगों को दिख रहा हो हाथ उठाते जाना, बोलते जाना। और इन दोनों कमरों के लेफ्ट में भी एक कमरा है, मतलब इस कमरे के पीछे जो सामने वाली वॉल होगी उसके पीछे भी एक कमरा है, या सामने वाले जो कमरा तुमने देखा उसके लेफ्ट में भी एक वॉल होगी उसके पीछे भी एक कमरा है। तो एक लेयर में चार रूम्स आ गए। ऐसे ही हम एक सेकंड फ्लोर बना देंगे या थर्ड फ्लोर या एनथ फ्लोर बना देंगे, जिससे कि जो क्यूब का कॉर्नर है, अब देखो अगर इमेजिन करो तो वो आठ कमरों से घिरा हुआ है, कॉमन कॉर्नर, अगर हम कोई फुटबॉल वहाँ पर रख दें जाके तो हर कमरे में उसका कितना पोर्शन आएगा, उसमें पोर्शन आएगा 1/8। तो हमें ये बात ध्यान रखनी है कि क्यूब का कॉर्नर आठ क्यूब से घिरा होता है, शेयर्ड होता है। फेस कितने से शेयर्ड है, फेस में देखो अगर लेफ्ट वाले फेस को देखो तो ये कितने क्यूब से शेयर्ड है, दो से। एज कितने से शेयर्ड है, ये वाली एज देखना, ये कॉमन एज है क्योंकि 3D फिगर है तो ये सब में कॉमन होगी। और ये कितने से शेयर्ड है, ये चार से शेयर्ड है। बॉडी सेंटर केवल एक से ही शेयर्ड होगा। अब बात करते हैं प्रिमिटिव सेल की, भाई ये बात समझ में इमेजिन हो पाए क्योंकि मैं कमरे से ही इमेजिन करवा पाऊंगा, नोटबुक पे इमेजिन करना नेक्स्ट टाइम पॉसिबल है। अगर तुम्हें चमक गया तो चमक गया, नहीं चमका तो फिर नहीं चमकेगा, ठीक। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या है, प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होता है कि जिसमें एटम्स कहाँ लगाए, केवल हमने कॉर्नर्स पे लगाए हैं। अगर एटम केवल कॉर्नर्स पे लगाए तो कुछ इस तरह से लगाए होंगे, ड्राइंग थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकती है लेकिन तुम्हें समझ में आनी चाहिए कि केवल कॉर्नर्स पे लगाए हैं तो ए की वैल्यू किसके बराबर होगी, 2R के बराबर होगी। कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम ईच कॉर्नर, ईच कॉर्नर विल बी 1/8, क्योंकि क्यूब का कॉर्नर कितने से शेयर था, 8 से शेयर था, तो कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, 1/8 आएगा। और नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने थे, 8, तो टोटल नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स, इफेक्टिव एटम्स कितने हो जाएंगे, 1/8 × 8 यानी कि 1 हो जाएंगे, ठीक है। ये सिंपल बात यहाँ पे भी लिख दी कि 1/8 × 8 इज इक्वल टू 1, नंबर ऑफ कॉर्नर्स और नंबर ऑफ कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ईच कॉर्नर। एफसीसी लैटिस, एफसीसी यूनिट सेल क्या है, फेस सेंटर क्यूबिक लैटिस। तो इसमें क्या है, कॉर्नर पे हमेशा एटम रखेंगे और अब की बार हमने फेस सेंटर पे भी एटम लगा दिए, तो कॉर्नर पे एटम लगाए तो 1/8 कंट्रीब्यूशन आया और फेस सेंटर पे लगाए तो आया 1/2। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने आ गए, 1/8 × 8 प्लस 1/2 × 6 यानी कि कितने हो गए, 1+3 यानी कि 4 हो गए, सिंपल बात है। तो अगर हम ए और आर में रिलेशन निकालना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, चार एटम्स एक लाइन में लगे होंगे डायगोनली, एक दूसरे के साथ अटैच होंगे क्योंकि फेस सेंटर और कॉर्नर एक दूसरे को टच कर रहे होंगे, तो √2a किसके बराबर हो जाएगी, 4R के बराबर। तो ए की वैल्यू जो आ जाएगी वो 2√2R आ जाएगी, ए की वैल्यू 2√2R आ जाएगी, ये बात समझ में आनी चाहिए, ठीक। यार बिल्कुल आज तबीयत नहीं सही है, बोलते समय भी इसलिए थोड़ा सा डाउन आ रही होगी आवाज, थोड़ा सा बियर कर लोगे यार, अब तो मतलब हम लोग पुराने हो गए, दोस्ती हो गई हमारी तुम्हारी, है ना। तो बीसीसी अरेंजमेंट क्या होता है, बॉडी सेंटर क्यूबिक अरेंजमेंट, एटम्स आर अरेंज एट द कॉर्नर्स एंड एट द बॉडी सेंटर, नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम कितने हो गए, 1/8 × 8 यानी कि 1+1 बॉडी सेंटर पे यानी टोटल 2 हो गए, तो 4R = √3
थ्री ए हो गया, क्योंकि अब हम बॉडी सेंटर के अलॉन्ग चलेंगे और बॉडी सेंटर की लेंथ ही रूट थ्री ए के बराबर। डेंसिटी कैसे निकालेंगे, डेंसिटी क्या होती है, मास बाई वॉल्यूम होती है, सबकी डेंसिटी यही होती है, मास बाई वॉल्यूम। तो मास को हमने लिख दिया नंबर ऑफ एटम्स इनटू मोलर मास, और मोलर मास लिखा तो एन ए से डिवाइड करेंगे जिससे मॉलिकुलर मास निकला है। एन ए से क्यों डिवाइड किया, जिससे मॉलिकुलर मास निकला है, डिवाइड बाई ए क्यूब। ए एज लेंथ है, जेड इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स है, एम मोलर मास है, एन ए एवोगाड्रो नंबर है। पैकिंग एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, पैकिंग एफिशिएंसी ईटा विल बी इक्वल्स टू ऑक्यूपाइड वॉल्यूम अपॉन, एफिशिएंसी का मतलब यही होता है ऑक्यूपाइड अपॉन टोटल। तो इन केस ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल नंबर ऑफ एटम्स वन हो जाएंगे, ए की वैल्यू टू आर है, तो ईटा की वैल्यू वन इंटू फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब। और ये सवाल 2021 में पूछा गया है बिल्कुल एज सच, ठीक, आर क्यूब अपॉन ए क्यूब, ए की वैल्यू टू आर डाल दी, तो इससे जो पैकिंग फ्रैक्शन आ जाएगा वो 0.52 यानी 52% पैकिंग एफिशिएंसी आ जाएगी। इन केस ऑफ एफ सी सी यूनिट सेल क्या होगा कि नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, चार, और ए की वैल्यू है 4√2R। ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 2√2R, ठीक। तो पैकिंग एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 4×4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब, तो 4×4/3 पाई आर क्यूब अपॉन 2√2R का होल क्यूब, यानी कि इससे 74% आ जाएगी। नंबर्स तुम्हें याद ही होने चाहिए, कोई और रास्ता नहीं है बिना याद करे इन्हें निकालने का, ठीक है। इन बीसीसी लेटेस्ट क्या होगा, बीसीसी यूनिट सेल क्या होगा कि नंबर ऑफ एटम्स 2 हो जाएंगे, √3 = 4R हो जाएगा, और ईटा की वैल्यू 2×4/3 पाई आर क्यूब आ जाएगी डिवाइडेड बाई ए क्यूब, तो इसकी वैल्यू 68% आ जाएगी। सिंपल सी बात है, आसानी से समझ में आनी चाहिए। अब बात करते हैं क्लोज पैकिंग की। देखो इसमें ज़्यादा सवाल लाने की जरूरत नहीं, सवाल मैं बिल्कुल PYQ कराऊंगा और उसमें आएंगे जरूर सवाल, PYQ पक्का प्रॉमिस है आएगा ही आएगा PYQ का सेशन, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। थोड़ा सा तबीयत सही नहीं है मेरी, इसकी वजह से डिले हो रहा है, मैं बहुत ताकत लगा रहा हूँ, लगभग फीवर में बैठा हूँ, तुम्हारे लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। वैसे मैं गिवअप कर देता लेकिन अब जिम्मेदारी लिया तो निभाना पड़ेगा ना, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, है कि नहीं। क्लोज पैकिंग कैसी है, क्लोज पैकिंग 1D क्लोज पैकिंग है, जिसमें हमने क्या किया, 1D मतलब वन एटम थिक की हमने लेयर बना दी, तो जिसमें हर एटम दूसरे एटम से जुड़ा हुआ है, तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी आ जाएगी, कितने जुड़ा हुआ है, दो से, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है। ये कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब होता है नियरेस्ट नेबर, ठीक है, जिससे एक एटम दो एटम से कितने एटम से साइमल्टेनियसली कनेक्टेड है, उसे हम कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। 2D स्क्वायर पैकिंग के लिए देखो हमने कितना सुंदर फिगर बना रखा है, 2D स्क्वायर पैकिंग बना ली, तो इसमें किसी भी आइटम को देखोगे, मान लेते हैं इसको देख लो तुम, अब तो ये कितने आइटम से जुड़ा हुआ है, चार से जुड़ा हुआ है, या ऐसे देख लो जो बना हुआ था ये कितने से जुड़ा हुआ है, चार, तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी आ जाएगी, 4, यानी इसके नियरेस्ट नेबर कितने हैं, 4। हेक्सागन एंड क्लोज पैकिंग ले लें। अब हमने क्या किया कि हम एटम्स को एक के नीचे एक लगा सकते थे, जैसा इसमें लगाया, एक के नीचे एक लगा सकते थे, बोलो भाई, या फिर थोड़ा सा डिस्प्लेस करके लगा सकते थे। तो इस वाली लेयर को बस हमने क्या किया, डिस्प्लेस कर दिया इधर साइड, तो ये फिगर बन गया। देखो इसे थोड़ा सा डिस्प्लेस करके लगा दिया, डिस्प्लेस करके लगाया, तो किसी भी एटम को अगर हम देख लें, किसी भी एटम को एक देख लें, तो इसमें देखो ये कितने एटम से जुड़ा हुआ है, अरे हेक्सागन बनाना था, ये 6 से जुड़ा हुआ है, तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी, ठीक। अब 3D पैकिंग करें, 3D पैकिंग, 3D स्क्वायर पैकिंग करने के लिए क्या करेंगे, जब हम क्या करेंगे, जो हमारी लेयरिंग थी, लेयरिंग कौन सी थी, जो पहले हमने 2D में की थी, उसी को हम एक्सटेंड करेंगे। तो ये कैसी लेयर है, ये ए लेयर है, ये ए लेयर है, ए लेयर है, ए लेयर है, तो इससे क्यूब बन गया, देखो 1, मैं अगर दूसरे पेन से लिख दूँ तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 ए क्यूब बन गया। तो इसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर आएगी वो कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। अगर तुम वैसे देखना चाहो तो ऐसे देख लो, मेरी तरफ ध्यान से देखना, कि अगर तुम्हें 8 क्यूब दिख रहे हैं तो कॉर्नर वाले एटम को देखो, उससे कितने एटम्स ए डिस्टेंस पे हैं, तो तुम्हें लगेगा एक्स एक्सिस पे एक है, वाई एक्सिस पे एक है, और जेड एक्सिस पे एक है, है ना, फिर माइनस एक्स पे एक है, माइनस वाई पे एक है, और माइनस जेड पे एक है, और सब ए डिस्टेंस की दूरी पे हैं, तो इसका पैकिंग मतलब जो कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाएगा वो 6 आ जाएगा। 3D हेक्सागनल पैकिंग, 3D हेक्सागनल पैकिंग दो तरह से कर सकते हैं, कि हम ए लेयर के ऊपर बी लेयर रख दें, और ए लेयर के ऊपर बी लेयर रखें, और बी के ऊपर सी रख दें। तो जब ए बी ए बी टाइप की पैकिंग होती है, तो इससे हेक्सागनल क्लोज पैकिंग बनती है, कैसी बनती है, हेक्सागनल क्लोज पैकिंग बनती है, हेक्सागनल क्लोज पैकिंग बनती है, ठीक।
तो हेक्सागनल क्लोज पैकिंग बन गई। अब हेक्सागनल क्लोज पैकिंग में क्या हुआ कि ये लेयर कैसी आ गई, ए बी लेयर आ गई। अब अगर इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर निकालोगे तो ऐसे देखो, जरा ध्यान से मेरी बात सुनना, कि छः एटम एक प्लेन में है, ठीक, उसके ऊपर तीन एटम रखे और उसके ऊपर फिर से छः एटम रखे, ठीक है, और उसके ऊपर फिर से तीन एटम आएंगे, फिर छः आएंगे, तो लड्डू के डिब्बे जैसा होता है, ठीक है। अब यार उसे विजुलाइज कराना तो फिजिकली सामने से ही है, फिजिकली भी कभी मिलना चाहो तो बताना, मैं बताऊंगा मैं कहाँ मिलूंगा। तो हेक्सागनल क्लोज पैकिंग में क्या करा कि हम मॉडल नहीं मेरे पास, तुम अगर ध्यान सोचो कि लड्डू वाले डिब्बे होते ना शादी वाले, जो इसमें हेक्सागन होता है, तो उसमें तीन लड्डू बीच में रख दो, तीन लड्डू उसके ऊपर, तीन लड्डू नीचे, तो जो सेंटर वाला होगा आइटम, जो हेक्सागन में सेंटर वाला आइटम होगा, अगर मैं बनाई दूँ तुम्हारे लिए, तो देखना ड्रॉ कर रहा हूँ यार, ठीक है। अब इसमें जो एक हेक्सागन बन गया, तो ये बीच वाला आइटम देखो कितना से कनेक्टेड है, सिक्स से कनेक्टेड है। अब इसके ऊपर तीन आइटम रखे हैं, यहां पे देखो ये तीनों आइटम इसके अंदर नहीं होते हैं, बाहर होता है कुछ पोर्शन, और कुछ पोर्शन और आइटम्स का अंदर आ जाता है, तो इफेक्टिवली तीन आइटम आते हैं। वैसे 89% के लगभग अंदर होता है, 11% बाहर होता है, ठीक है। ये बात कितने लोगों को पता थी बताना, बहुत नई बातें बता सकता हूँ, लेकिन अभी एडवांस का टाइम है। जब कभी स्लो पढ़ाऊंगा सॉलिड स्टेट तो फुर्सत में तब सुनना, जब मैं भी स्लो फुर्सत में पढ़ाऊंगा बहुत सारी बातें नई बताऊंगा जो तुमने कभी नहीं सुनी होंगी किसी के मुंह से, प्रॉमिस है मेरा। तो हो क्या रहा है कि अब ये तीन आइटम आ गए और इसके नीचे लेयर में भी तीन आइटम होंगे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी आ जाएगी, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ जाएगी, ठीक। ऐसे 3D हेक्सागनल पैकिंग अगर करेंगे ABC टाइप की, तो ABC टाइप की होगी पैकिंग, और इसमें भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी आ जाएगी, 6, और इससे बनेंगे FCC लेटर्स। क्या बन जाएगा, FCC लेटर्स बन जाएगा इससे, ठीक। अब यहां पे मैंने कोऑर्डिनेशन नंबर काउंट करके दिखाई है, ध्यान से जरा देखोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा मैं क्या कह रहा हूं। देखना जरा इस आइटम को, देखना जरा जो मैंने वाइट किया इसे, ठीक, व्हाइट वालों को जरा ध्यान से देखते रहना, दो व्हाइट हो गए, तीन व्हाइट हो गए, चार व्हाइट हो गए, पांच व्हाइट हो गए, और छह व्हाइट, और ये सात व्हाइट। ये सारे व्हाइट वाले एटम्स देखो ध्यान से कि ये ए डिस्टेंस पे है, मैंने लिख रखा है ये ए डिस्टेंस पे है, ठीक। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी आ जाएगी, क्यूबिक लैटिस सिंपल क्यूबिक की आ जाएगी 6। अब FCC में कोऑर्डिनेशन नंबर 12 कैसे आएगी, देखो यहां से ए बाई रूट टू पे एक फेस सेंटर होगा, इसकी डिस्टेंस ए बाई रूट टू लिखी, ये ए बाई टू पे होगा, ये ए बाई टू पे होगा, ए बाई रूट टू पे होगा, ये ए बाई टू, तो ये इस फेस पे चार आइटम ऐसे हैं जो ए बाई रूट टू की डिस्टेंस पे, देख रहे हैं सबको, एक दो तीन चार, मैं येलो पेन से लिख भी दूं अगर, तो 1, 2, 3, 4, ये चारों कितनी दूरी पे हैं, ए वाई रूट टू पे, ठीक। फिर 5, 6, 7, 8, ये भी कितने दूरी पे हैं, ए वाई रूट टू पे, तो 8 हो गए। फिर 9, 10, 11 और 12, तो 12 आइटम जो है वो ए वाई रूट टू की डिस्टेंस पे, ये सबको समझ में आना चाहिए, इतना बड़ा क्यूब आसानी से बन जाना चाहिए, ड्राइंग तुम्हारी अच्छी है तो बनाई लोगे मैं मान लेता हूँ, है ना। तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी आ जाएगी, FCC लेटर्स बनेगा और कोऑर्डिनेशन नंबर 12 आ जाएगी, ठीक। अब SCP कैसे बना, SCP मैंने ये फिर से बना के दिखाया, SCP में कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी आ जाएगी, देखो ये आइटम तीन जो हैं, देखो ये सेकंड लेयर वाले, ध्यान से देखना जरा कि सेकंड लेयर वाला एक आइटम ये है, एक आइटम ये है, और एक आइटम ये है, तो इसका कुछ कुछ पोर्शन बाहर निकल रहा ना ये वाला, तो ये वही पोर्शन है जो बाहर निकल रहा था, तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगी, 12 होगी, 6 स्फीयर्स इन इट्स लेयर एंड 3 ऑन टॉप एंड 3 ऑन द बॉटम, तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी, ठीक। BCC में कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी, क्योंकि रूट 3 है बाई 2 पे कितने आइटम्स हैं, 8 हैं सेंटर बॉडी सेंटर वाले से, तो नंबर ऑफ इफेक्टिव आइटम्स इन SCP लैटिस अगर निकालना हो तो जो हेक्सागन का एक कॉर्नर है वो कितने से सराउंडेड होगा, एक हेक्सागन तो ये बना हुआ है, एक ये बन सकता है नया,
एक ये बन सकता है भाई, बात समझ में आनी चाहिए। तो ये कॉर्नर कितने से कनेक्टेड है, 1, 2, 3 से कनेक्टेड है, और ऐसे ही एक सेकेंड लेयर भी होगी, तो टोटल कॉर्नर्स कितने से कनेक्टेड होगा, 6 से, तो कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, 1/6। फेस सेंटर का तो हाफ ही आएगा, और सेकेंड लेयर में 3 एटम है, तो नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम कितने आ जाएंगे, 6 × 1/6 × 12 × 3 × 1/2 × 2 × 2 × 2 + 3 + 1 = 6। ठीक, अब अगर इसकी हाइट निकालने को आ जाए, तो वैसे मैंने हाइट का फॉर्मूला मैं इसे समझा दूँ या याद ही रखना, अब इस सिचुएशन में आके इतने कम दिन बचे हैं। h/2 की वैल्यू ये लिखी है, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, h की वैल्यू आ जाएगी 4r√2/3। तो पैकिंग एफिशिएंसी जो आएगी वो एग्जैक्टली 74% आ जाएगी। हम वॉल्यूम निकालेंगे एसीपी में, हाइट निकालने ही कला का काम है, मैं निकाल सकता हूँ, मैंने ड्राइव किया तो मैं आसानी से, चलो चलो थोड़ा बता ही देता हूँ कि ये लेयर इसके ऊपर रखी है, तो इस ट्राइंगल से ये वाली डिस्टेंस निकाल लेना ये वाली, और ये फिर एक राइट एंगल ट्राइंगल लेना, तो तुम्हें ये पता है ये 2r है, ये तुम निकाल ही चुके हो, और इसकी वैल्यू निकल आएगी आसानी से। ठीक, मैंने सब पूरा लिखा हुआ है, आराम से देखोगे निकल आएगी। तो 6 × 4/3 πr³ हो गया, वॉल्यूम हो गया कितना, एससीपी लैटिस का वॉल्यूम निकाल लिया, 3/4 × 2r³ × h। ठीक, बेस एरिया इंटू हाइट, तो बेस एरिया इंटू हाइट कर दिया, तो हाइट की वैल्यू पुट कर दी, और आंसर हमारा आ गया। ठीक, आंसर कितना आ जाएगा, 74% आ जाएगा। ठीक है, अब वॉइड्स की बात करते हैं। हमने इतना कोशिश करी कि सारे स्पेसेस को भर दें, लेकिन हम स्पेसेस को भर नहीं पाए, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, वॉइड माने एम्प्टी स्पेस, खाली जगह भरेंगे। तो ट्रायंगुलर वॉइड्स होते हैं जो 3 स्फीयर से घिरे हुए हैं, उन्हें हम क्या कह सकेंगे, ट्रायंगुलर वॉइड। जो 4 से घिरे हुए हैं, 3 एक प्लेन में और एक ऊपर से रख दिया, तो इसमें जो वॉइड बना ये वाला वॉइड, इसे हम टेट्राहेड्रल वॉइड कहेंगे। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे बना, ये एक ट्रायंगल बन गया, और एक ये अपर वाला ट्रायंगल बन गया, एक नीचे वाला, तो इसके बीच में जो वॉइड आया वो कैसा आया, वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड आया। जो SF4 वाला एग्जांपल है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड का ही है। ठीक, अब नंबर ऑफ वॉइड्स कैसे निकालेंगे, इन क्लोज पैकिंग द टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स आर 2n, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो होते हैं वो टेट्राहेड्रल वॉइड 2n होते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड n होते हैं। n इज द नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स इन अ यूनिट सेल, इन केस ऑफ FCC लैटिस द टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स 8 होते हैं, और ऑक्टाहेड्रल में 4 होते हैं। पोजीशन कहाँ होती है टेट्राहेड्रल वॉइड्स की, अगर तुम मेरी बात समझ पाओ तो मैं एक ट्राई मारता हूँ समझाने का, मुश्किल बात है, वॉइड को देखना, थोड़ा सा ध्यान देना, अगर समझ में आ जाए तो थम्स अप चाहिए मेरे को, फिर कोल्ड ड्रिंक नहीं। देखो ध्यान से, एक कॉर्नर वाला आइटम ले लो यार, है ना, लेफ्ट हैंड टॉप कॉर्नर, आंख बंद कर लो, बस मेरी बात सुनो ध्यान से, उत्तेज हो जाएगा। लेफ्ट हैंड कॉर्नर वाला आइटम लिया, उससे लेफ्ट हैंड फेस वाला जो फेस सेंटर वाला आइटम है वो a/√2 की दूरी पे है, उस फेस सेंटर से जो सामने वाला फेस सेंटर है वो भी a/√2 की दूरी पे है, ऊपर वाले भी कैसा है a/√2 की दूरी पे। अब क्या करो, पंखे से मिला के, पंखा सामने वाला फेस सेंटर और लेफ्ट वाला फेस सेंटर, इससे मिला के एक स्लैंटिंग ऐसा तिरछा सा, ऐसा तिरछा सा क्या बना लो, एक प्लेन बना लो, ऐसा बन जाएगा प्लेन, और ऊपर से जो आएगा आइटम वो उसे कैप कर देगा, तो एक टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगा बॉडी डायगोनल पे। तो ऐसा हर बॉडी डायगोनल पे एक टेट्राहेड्रल वॉइड फॉर्म होगा, जो √3a/4 √3a/8 के डिस्टेंस पे होगा, कहाँ से, कॉर्नर से, √3a/4 की डिस्टेंस पे होगा, 4 की डिस्टेंस पे। और ऐसे कितने वॉइड आ जाएंगे, ऐसे वॉइड हमारे पास आ जाएंगे 4, जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है वो सारे एस सेंटर्स पे और एक बॉडी सेंटर पे, तो ऐसे बॉडी सेंटर पे कितने आ जाएंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड आ जाएंगे 4 और टेट्राहेड्रल वॉइड आ जाएंगे 8। ठीक, रेडियस रेशियो में क्या बताता है, रेडियस रेशियो में बताता है, एक प्राइमरी एस्टीमेट बता देता है कि कैटायन और एनायन के बीच का रेशियो, हम ये जान लेंगे कि लैटिस कैसा बनने वाला है। ठीक, अब रेडियस रेशियो ऑफ ट्रायंगुलर वॉइड अगर निकाले, तो ट्रायंगुलर वॉइड के लिए रेडियस रेशियो की वैल्यू, डेराइवेशन पे तुम जाना चाहो तो पूरा लिखा हुआ है, अच्छे से देख लोगे तो डेराइव भी हो जाएगा, आरबी की वैल्यू आ जाएगी 0.155 आरएस के बराबर। अगर हम टेट्राहेड्रल वॉइड पे जाएंगे तो भी तुम डेरिवेशन देखना चाहोगे तो पूरा लिखा हुआ है बढ़िया से, तुम बस एक बार स्क्रीन रोक के देख लेना तसल्ली से, समझ में आएगा ही आएगा। ठीक, तो 2RS की वैल्यू √2a हो गई, और इससे जब निकालोगे तो 0.225 RS आ जाएगा, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए 0.414 RS आ जाएगा। ठीक, ऐसे ही क्यूबिक वॉइड के लिए 0.732 RS आ जाएगा। और रेडियस रेशियो की ये टेबल जो बहुत अभूतपूर्व है, इसे हम लोग सब लोग ध्यान रखेंगे कि 0.155 से 0.225 तक होगा तो √3 आ जाएगा, ट्रायंगुलर वॉइड b/2O³, 0.225 से 0.414 होगा तो टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगा, 0.414 से 0.732 तक होगा तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेगा, और 0.732 से 0.1 होगा तो क्यूबिक वॉइड बनेगा।
ठीक। अब टाइप ऑफ आयनिक क्रिस्टल्स की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ आयनिक क्रिस्टल्स में रॉक सॉल्ट टाइप स्ट्रक्चर है, एन ए प्लस की रेडियस और सी एल माइनस की रेडियस मेरे को पता है, तुम्हें याद रखने की जरूरत नहीं। तुम्हें यह याद रखना है कि एन ए सी एल टाइप एफ सी सी टाइप क्रिस्टल होता है, जिसमें सी एल माइनस क्या बनाते हैं, लैटिस बनाते हैं, और एन ए प्लस कहाँ होता है, ऑक्टेट्रल वॉइड में रहता है। ठीक, तो 0.524 आ गया रेडियस रेशियो, 0.524 का मतलब किस में है, ऑक्टेट्रल वॉइड में है। तो एन ए सी एल कहाँ रहेगा, एन ए प्लस कहाँ रहेगा, ऑक्टेट्रल वॉइड में रहेगा। इन एन ए सी एल टाइप क्रिस्टल सी एल माइनस फॉर्म्स एफ सी सी लैटिस, एन एन ए प्लस ऑक्यूपाइज क्या, ऑक्टेट्रल वॉइड्स। तो एन ए सी एल में क्या होता है कि सी एल माइनस क्या बनाता है, एफ सी सी लैटिस बनाता है, और एन ए प्लस क्या कहाँ रहता है, ऑक्टेट्रल वॉइड्स में रहता है। तो अगर हम लिख लें ऑक्टेट्रल वॉइड कहाँ थे, सेंटर पे थे। तो अगर हम सिचुएशन बनाएं तो देखो कैसी बनाएंगे, कि ये एज होगी क्यूब की, मैंने क्यूबॉइड जैसा बना दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे एक एन ए प्लस होगा, और यहाँ पे दोनों तरफ क्या होंगे, सी एल माइनस होंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 2R+ आ जाएगा ये, और यहाँ पे एक R माइनस आएगा, यहाँ पे R माइनस आएगा, और ये पूरी लेंथ किसके बराबर होगी, A के बराबर होगी। तो 2R+ + 2R- = A, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसकी आ जाएगी 6 कैटाइन की, क्योंकि ऑक्टेट्रल वॉइड में है, और सी एल माइनस की भी कितनी आएगी, 6 आएगी। तो एन ए सी एल इज नोन एज 6S6 सॉलिड, और इसके एग्जाम्पल फर्दर लिख सकते हैं KCl, RbCl, इस तरह के एग्जाम्पल इसके लिखे जा सकते हैं। तो ये क्या है, ये हमारा क्या हो गया, एन ए सी एल का स्ट्रक्चर हो गया। अगले स्ट्रक्चर की बात करते हैं, अगला स्ट्रक्चर है सी एस सी एल टाइप। ठीक है, तो एन ए सी एल कैसे टाइप करता है, एफ सी सी टाइप करता है। तो कई बार क्वेश्चन में सीधे एन ए सी एल टाइप लिख के आता है, तो हम मान लेंगे कि जो एनायन है वो क्या है, वो हमारा लैटिस बना रहा है, और कैटायन हमारा ऑक्टेट्रल वॉइड में रह रहा है। अब सी एस सी एल की बात करें तो सी एस ऑब्वियसली एन ए से बड़ा है, तो इसके लिए जब हम रेडियस रेशियो निकालेंगे तो 0.93 आया। तो इसका मतलब है कि सी एल माइनस ने एक सिंपल क्यूबिक लैटिस बनाया, और सी एस प्लस कहाँ रह रहा है, क्यूबिक वॉइड में रह रहा है, तो इसे हम बॉडी सेंटर पे कह सकते हैं। तो मैंने बिल्कुल ड्राइंग बना के दिखाई है, ध्यान से देखोगे तो 2R+ + 2R- यानी 2CS+ + 2Cl- विल बी इक्वल्स टू √3 है। तो RCS+ + RCl- विल बी इक्वल्स टू √3 / 2। कोऑर्डिनेशन नंबर सीजीएम की 8 हो जाएगी, और इसकी भी क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। कोऑर्डिनेशन नंबर देखने के लिए अगर ध्यान से देखोगे तो बॉडी सेंटर पे क्या रखा है, सीजीएम, तो उससे तो 8 कॉर्नर पास में ही, और हर कॉर्नर के पास भी 8 बॉडी सेंटर है √3 / 2 की डिस्टेंस पे, ध्यान से देख लो। क्योंकि कॉर्नर कितने क्यूब से शेयर्ड है, 8 क्यूब से शेयर्ड है, तो हर क्यूब के पास कितने हैं, 8 कॉर्नर है। अब सी एस सी एल कैसा है, 8H2H सॉलिड है, तो इसका एग्जांपल CsBr, CsI, TlCl और TlBr लिख दिया। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, थर्मल एनर्जी बढ़ेगी, तो क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर कम हो जाएगा। ठीक, तो सीजियम क्लोराइड टाइप क्रिस्टल कन्वर्ट हो जाएगा NaCl टाइप क्रिस्टल में। मैं ये नहीं कह रहा कि सीजियम कन्वर्ट हो जाएगा Na में। ठीक, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर द कोऑर्डिनेशन नंबर डिक्रीजेज, एंड ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीजेज, तो NaCl टाइप कन्वर्ट हो जाएगा CsCl टाइप में। ZnS दो तरह का होता है, जिंक ब्लेंडी, दो तरह का होता है स्फेलराइट, जिसमें H2- क्या बनाता है, एक FCC लैटिस बनाता है या CCP लैटिस बनाता है, और Zn2+ कहाँ रहता है, ऑल्टरनेटिंग टेट्राहेड्रल वॉइड्स में रहता है। इसके एग्जांपल जैसे CuCl, CuBr, ZnO etc. वोरजाइट H2- SCP लैटिस बनाता है, और Zn2+ फिर से कहाँ रहेगा, ऑल्टरनेटिंग टेट्राहेड्रल वॉइड्स में रहेगा। फ्लोराइड स्ट्रक्चर में क्या होगा, ये सारे स्ट्रक्चर तुम्हें याद होने चाहिए, तभी तुम सवाल लगा पाओगे। इनमें समझने के लिए बहुत कम है, इन्हें तो याद ही रखना पड़ेगा, कोई इसमें मतलब एफर्ट नहीं है। ठीक, CaF2 कैसा होता है, Ca2+ FCC लैटिस बनाता है, और F- ऑक्यूपाइज ऑल द टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो Ca2+ कहाँ जाएगा, Ca2+ 8 हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर, F4 F- की 4 हो जाएगा। तो इसका एग्जांपल SrF2, BaF2, PbF2, CbaCl2 और AgF2 और CuF2 थे। एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर Li2O, तो इसमें क्या होगा, कैटाइन और एनायन फ्लोरीन फ्लोराइड स्ट्रक्चर से अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर लेंगे, तो O2- क्या बनाएगा, FCC लैटिस बनाएगा, और Li+ टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई करेगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑक्सीजाइड की हो जाएगी 8 और Li+ की हो जाएगी 4। ठीक, एग्जांपल्स भी लिखे हुए हैं इसके। स्पाइनल स्ट्रक्चर क्या होता है, स्पाइनल इज ए मिनरल हैविंग जनरल फार्मूला Mm'2O4, वेयर M इज अ डाइवेलेंट कैटाइन, और M' जो होता है ट्राइवेलेंट होता है। O2- क्या करता है, FCC लैटिस बनाता है, ये ध्यान रखना, 2012 में इसका सीधा क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक, तो डाइवेलेंट कैटाइन क्या है, डाइवेलेंट कैटाइन क्या करता है, 1/8 ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई करता है, और एम ट्राइवेलेंट कंपाउंड कैटाइन जो है वो हाफ ऑफ द ऑक्टेट्रल वॉइड्स ऑक्यूपाई कर लेता है। ठीक,
तो सिंपल स्ट्रक्चर बन जाता है। एम क्या हो सकते हैं, कोई भी डाइवेलेंट कैटाइंस, और एम थ्री एम प्राइम जो ट्राइवेलेंट हो सकते हैं, तो एम जी ए एल टू ओ फोर, जेड एन ए एल टू ओ फोर और एफ ई सी आर टू ओ फोर, ये कैसे हैं, स्पाइनल्स हैं। इसी तरह इन्वर्स स्पाइनल क्या होगा, इस इन्वर्स स्पाइनल में ओ टू माइनस जो होगा वो एफ सी सी लैटिस बनाएगा, एम टू प्लस वन फोर्थ ऑफ द ऑक्टेडल वॉइड में रहेगा, और एम थ्री प्लस होगा वन फोर्थ ऑफ द टेट्राडल वॉइड एंड वन ऑक्टेडल वॉइड एंड वन एट्थ ऑफ द टेट्राडल वॉइड्स में रहेगा। स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड, डायमंड हमें कैसा स्ट्रक्चर लगता है ये बताना जरा, कितने लोगों को डायमंड का स्ट्रक्चर पता है पहले से ही, तो ए और आर में रिलेशन बताना जरा डायमंड की क्या होती है। ठीक, इट इज़ फॉर्म बाय द कार्बन एटम्स। ठीक है, डायमंड्स क्यूबिक स्ट्रक्चर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू इंटरपेनेट्रेटिंग, ये बहुत काम की बात दिखी हुई है, टू इंटरपेनेट्रेटिंग एफ सी सी सबलैटिस डिस्प्लेस्ड अलॉन्ग द डायगोनल ऑफ ए क्यूबिक लेंथ सेल बाई वन बाई फोर्थ ऑफ द लेंथ ऑफ द बॉडी डायगोनल। टोटल एटम्स एक यूनिट सेल में आठ होते हैं, मैंने पहले कहा था रिलेशन बताना, मैंने लिख दिया यहाँ पे आर की वैल्यू रूट थ्री ए बाई एट होती है, और जब ईटा निकालते हो तो 634% आता है। तो इससे बात हमें ये तो पता चलती है कि पैकिंग एफिशिएंसी का हार्डनेस से कोई लेना देना नहीं है। ये बात कितने लोगों को पता थी कि अभी तक हम लोग ये सोच रहे थे कि जो ज़्यादा अच्छा पैक होगा वही अच्छी हार्डनेस होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोरेंडम स्ट्रक्चर Al2O3, Fe2O3 और Cr2O3 जैसा होगा, तो क्या होगा इसमें, कोरेंडम बेसिकली Al2O3 का ओर है, तो O2- माइनस क्या कर रहा है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बना रहा है। Al प्लस थ्री आयंस क्या कहें, टू थर्ड ऑफ द ऑक्टेटल वॉइड में। परवोस्काइट AbO3 टाइप का होता है, एक कैटायन बाइवेलेंट होता है और अदर टेट्रावेलेंट होता है, तो CaTiO3 या BaTiO3 टाइप का ले लेते हैं, तो O2- माइनस फेस सेंटर पे होता है। Ca2 प्लस सिंपल क्यूबिक लैटिस बनाता है, Ti4 प्लस बॉडी सेंटर पे होता है। ठीक है, तो ये इतने तरह के क्यूबिक क्रिस्टल थे। अब बात आती है डिफेक्ट्स की। डिफेक्ट्स अच्छी चीज़ है, सब में होने चाहिए, अगर डिफेक्ट ना हो तो आदमी किसी काम का नहीं है, तो सारी दुनिया बेकार हो जाएगी डिफेक्ट्स के बिना। डिफेक्ट्स अच्छे हैं, जैसे दाग अच्छे हैं वैसे डिफेक्ट्स भी अच्छे हैं। तो एट एब्सोल्यूट जीरो क्रिस्टल टेंड्स टू हैव परफेक्ट ऑर्डर, एनी एट एनी टेम्परेचर अबव जीरो केल्विन द क्रिस्टल टेंड्स टू हैव सम डिपार्चर फ्रॉम द कंप्लीट ऑर्डरनेस, और इसे हम कहते हैं डिफेक्ट्स। डिफेक्ट्स तीन तरह के हो सकते हैं, पॉइंट, लाइन और प्लेन, हमें पॉइंट डिफेक्ट्स पढ़ने हैं। पॉइंट डिफेक्ट्स दो तरह के हो सकते हैं, स्टोइचियोमेट्रिक और नॉन स्टोइचियोमेट्रिक। स्टोइचियोमेट्रिक इफेक्ट दो तरह के हो सकते हैं, फ्रेंकल और शॉटकी, और ये नॉन स्टोइचियोमेट्रिक दो तरह के हो सकते हैं, मेटल एक्सेस और मेटल डेफिशिएंसी। पॉइंट इफेक्ट्स विच आर जनरेटेड ड्यू टू द इररेगुलरिटी इन द प्लेसमेंट ऑफ आयंस और एटम्स। कॉज ऑफ पॉइंट इफेक्ट क्या है, एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज द थर्मल वाइब्रेशंस ऑफ एवरी एटम इंक्रीजेज ऑल्सो इंक्रीज, एंड सो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम द वाइब्रेशंस ऑफ द एटम बिकम सो हाई दैट इट कम जंप आउट फ्रॉम द लैटिस एंड कॉन्स्टिट्यूट अ वैकेंसी। द नंबर ऑफ डिफेक्ट्स जनरेटेड डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, दैट्स व्हाई सम टाइम्स पॉइंट डिफेक्ट्स इज ऑल्सो नोन एज थर्मोडाइनमिक डिफेक्ट्स। तो शॉर्टकट डिफेक्ट्स क्या होता है, जिसमें शॉर्टेज आती है कि जो पॉप आउट होकर कहीं चला जाए, एक कैटायन और एक एनायन मिसिंग हो जाए अपनी लैटिस पॉइंट से, तो हम उसे क्या कहते हैं, शॉर्टकट डिफेक्ट कहते हैं। शॉर्टकी में शॉर्टेज होती है, ऐसे सीधे सीधे याद रख लो कि शॉर्टकी में क्या होती है, शॉर्टेज होती है। ठीक, तो जितने कैटायन मिसिंग होंगे उतने एनायन मिसिंग होंगे, एटम एज ए होल न्यूट्रल रहेगा, डेंसिटी जब मास चेंज हो गया है, मास कम हो गया, वॉल्यूम सेम रहा, तो डेंसिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। शॉर्टकट डिफेक्ट्स अपीयर जनरली इन दोज क्रिस्टल्स व्हिच आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस डू नॉट डिफर इन मच इन साइज, जैसे NaCl, KCl, Ag और AgCl और CaCl। नंबर ऑफ शॉर्टकट डिफेक्ट्स निकालने का फॉर्मूला आज से पहले कितने लोगों ने देखा था बताना कमेंट करके, कि N = N₀e/2kT, वेयर N इज द नंबर ऑफ शॉर्टकट डिफेक्ट्स, N₀ इज द नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन द क्रिस्टल, E इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द शॉर्टकट डिफेक्ट, एंड K इज द वॉल्यूम कॉन्स्टेंट, एंड T इज टेम्परेचर। सुपर कंडक्टिंग मटेरियल बताने के लिए डिफेक्ट्स को सीरियसली जनरेट करते हैं हम लोग, अलाइन करके जनरेट करते हैं, तभी सुपर कंडक्टिंग मटेरियल बनते हैं, अदरवाइज सुपर कंडक्टिंग मटेरियल बनना नामुमकिन होता है। ठीक, तो फ्रैंकल इफेक्ट क्या है, फ्रैंकल इफेक्ट्स क्या होते हैं, जब कैटाइन और एनायन के साइज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, तो कैटाइन छोटा होने की वजह से क्या करता है, इंटरस्टिशियल साइड में जाके बैठ जाता है, तो डेंसिटी चेंज नहीं होगी। ठीक, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल रहेगा, जिसमें डिफरेंस ज़्यादा हो उसमें बनेंगे, और कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसे हम कहते हैं डिफ्यूजन इन सॉलिड्स। जो आयन कहाँ बैठा जाके, जो हमारा आयन बैठ गया जाके कहाँ पे, इंटरस्टिशियल साइड में हम बैठा जाके, उसे हम कंडक्शन इन, मतलब रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन कहेंगे, और उसे हम डिफ्यूजन इन सॉलिड्स कह सकते हैं। ये AgCl, AgBr, ZnS में होता है, इसका नंबर क्या होता है, N = N₀ × Ni × T^(1/2), बेसिकली इंटरस्टिशियल साइड्स और नंबर ऑफ आयंस का हमने क्या किया, एक ज्योमेट्रिक मीन ले लिया, और e^(-2kT). ई एनर्जी है फ्रैंकल इफेक्ट जनरेट करने के लिए, के बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट, इंटरस्टिशियल इफेक्ट्स उसे कहते हैं जो ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल साइड में चले जाते हैं एक से ज़्यादा, ठीक, अपनी साइड छोड़ के इंटरस्टिशियल साइड में बैठे। नॉन स्टोइचियोमेट्रिक इफेक्ट दो तरह के होते हैं, मेटल एक्सेस और मेटल डेफिशिएंसी। मेटल एक्सेस बाई एनायन वैकेंसी,
कि एनायन छोड़ के इलेक्ट्रॉन बैठ जाके और एक्स्ट्रा कैटायन बाय इंटरस्टीशियल साइड की एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा कैटायन कहाँ जाए इंटरस्टीशियल साइड में आ जाए। जैसे जो एनायन वैकेंसी उसी को हम एफ सेंटर्स कहते हैं, एफ मतलब होता है फेब्रे सेंटर या फेबर सेंटर कुछ भी कह लो फेब्रे। तो जेड एन ओ को हीट करा तो जेड एन टू प्लस होना ओ टू बनी और टू इलेक्ट्रॉन्स बने। तो जेड एन ओ जैसे येलो होता है हीट करने पर और वाइट होता है कोल्ड कंडीशन में। तो हम कहते हैं कि ये कैसे एग्जाम्पल्स हैं, ये हमारे मेटल एक्सेस डिफेक्ट के एग्जाम्पल हैं। ठीक, अब एफ सेंटर्स में जैसे हमने एन ए सी एल को सोडियम पेपर में गर्म किया तो येलो कलर हो गया, तो जो इलेक्ट्रॉन था वो कहाँ जाके बैठ गया, लैटिस पॉइंट में बैठ गया और सी एल माइनस को हटा दिया। ऐसे जब के सी एल को हीट करते के सी एल वेपर्स में, के सी एल को हीट करते हैं जब हम किसमें के सी एल वेपर्स में, तो वॉयलेट कलर बनता है और एल आई सी एल को करते हैं तो पिंक बनता है। मेटल एफिशिएंसी मतलब कि अब हम क्या करें, एक बड़ा मतलब मान लो ए प्लस वाले थे सारे, हमने ए टू प्लस को कहीं रख दिया, तो ए टू प्लस को जब रखेंगे तो वो न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए दो ए माइनस ए प्लस निकालेगा, एक जगह खुद बैठ जाएगा तो कितनी वैकेंसी क्रिएट करेगा, उतनी जितनी उसके ऊपर डिफरेंस के बराबर चार्ज है, यानी कि अगर टू माइनस वन कर दें तो एक वैकेंसी क्रिएट करेगा एक मोल से, एक मोल से एक मोल वैकेंसी क्रिएट होगी। ठीक, तो ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आता है, आसानी से किया जा सकता है। इम्प्योरिटी डिफेक्ट, इम्प्योरिटी मतलब जैसे हम सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में लेते हैं कि हमने सिलिकॉन का लिया सेमीकंडक्टर चिप बनाई और उसमें आर्सेनिक डाल दिया जिससे एन टाइप सेमीकंडक्टर बन गए, और बी बोरॉन डाल दें तो पी टाइप सेमीकंडक्टर बन जाएंगे। ठीक, इसके बाद की बात जो है वो है मतलब क्या कहते हैं अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, वो तुमने पढ़ी होंगी कौन कौन से, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक और फेरीमैग्नेट। डायमैग्नेटिक कौन सी होती है, जो वीकली रिपेयर होती हैं, पैरामैग्नेटिक वीकली अट्रैक्ट होती हैं, फेरोमैग्नेटिक स्ट्रांगली अट्रैक्ट होती है, एंटी फेरो बिल्कुल अट्रैक्ट नहीं होती हैं, और फेरीमैग्नेट जो होती हैं वो उन्हें सिक्स सर्टेन टेम्परेचर तक अगर ले जाया जाए तो वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस में बदल जाती हैं। ठीक है, तो लगभग ये भी हमने 50 मिनट में इस चैप्टर को भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, और ज़्यादा इसमें ध्यान रखना है, छोटे छोटे सवाल आएंगे, मैं बिल्कुल इसके पी वाई क्यूज़ कराऊंगा ही कराऊंगा। तो अब थ्योरी पे ज़्यादा ध्यान देना, नई चीज़ सीखने का टाइम नहीं, मैं ये मान रहा हूँ कि तुम बस एक ओवरव्यू के लिए अब इन वीडियोस को देख रहे हो, थ्योरी तो तुम्हें आती है। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर हम लोग, और ध्यान रखना कि 10 जून से मैं एक 12th और 11th का बैचेस शुरू कर रहा हूँ, तो उसके लिए भी अनाउंसमेंट मैं धीरे धीरे कर ही रहा हूँ, तो वो बैचेस में अपने जूनियर्स को बताओ कि वो सब्सक्राइब तो कर ही लें, इनरोल क्या करना है, सब्सक्राइब तो कर ही दें चैनल को, जिससे कि उन्हें अपडेट मिल जाए। मैं एक बिल्कुल एक वीडियो बना के उन्हें आंसर भी करूँगा, उनके सारे क्वेश्चंस का एक सेशन लूँगा जिसमें उनके क्वेरी सारी शांत हो जाएंगी। ठीक है, तुम लोग अच्छे से पढ़ रहे हो ऐसा मान लेते हैं, और मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है उसका थोड़ा सा, बस इसीलिए थोड़ा सा तंग हो रहा हूँ, बाकी तो ठीक है सब। चलो मिलते हैं फिर हम लोग अगली बार के लिए, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।